पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत शीतलापारा हथगोज में 22 फरवरी को आपसी मतभेद के चलते दो पक्षों में हुई मारपीट में एक की मौत हो गई। मारपीट में घायल युवक को गंभीर हालत में एम्स रायपुर में भर्ती कराया गया था। सोमवार की रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत के बाद मंगलवार की सुबह बड़ी संख्या में मृतक के परिजन पुरानी भिलाई थाने पहुंचे और जमकर हंगामा कर प्रदर्शन किया। सप्ताह भर पहले हथखोज में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में घायल एक व्यक्ति का बीती रात इलाज के दौरान एम्स रायपुर में मौत हो गई। इस मामले में मृतक पक्ष के परिजनों ने परिचित और रिश्तेदारों की भीड़ लेकर भिलाई 3 थाने का घेराव कर आक्रोश जताया। इस दौरान वे दोनों पक्षों के विवाद में मृतक के पुत्र व एक रिश्तेदार पर पुलिस के लगाए गए धारा में कटौती की मांग की गई। गौरतलब है कि गौतम नगर खुर्सीपार निवासी मोहम्मद इलियास की इलाज के दौरान एम्स रायपुर में बीती रात मौत हो गई। मृतक ट्रांसपोर्ट नगर हथखोज में टायर पंचर बनाने की दुकान चलाता था। बीते 22 फरवरी को दो पक्षों के बीच मारपीट की घटना में सिर पर गंभीर चोटें आने पर मोहम्मद इलियास को पहले भिलाई के चंदूलाल हॉस्पिटल, फिर हाईटेक और इसके बाद एम्स रायपुर भर्ती कराया गया था। इलियास की मौत की खबर मिलने के बाद उसकी पत्नी महरुन्निसा सहित परिचित और रिश्तेदारों ने भीड़ के साथ भिलाई 3 थाने का घेराव कर दिया। सूचना पर CSP विश्वास चंद्राकर और TI विनय सिंह बघेल तत्काल थाना पहुंचे। मृतक इलियास के परिवार वालों ने थाना घिराव कर पुलिस के द्वारा मिराज खान और सिराज अली के खिलाफ धारा 307 लगाए जाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने CSP के नाम एक आवेदन देकर धारा 307 को हटाने की मांग की है, ताकि मोहम्मद इलियास के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मिराज और सिराज को न्यायालय से जमानत मिल सके। इस मामले में CSP विश्वास चंद्राकर ने बताया कि दोनों पक्षों के खिलाफ एक दूसरे की शिकायत पर जांच के बाद विभिन्न धाराओं के तहत अपराध कायम कर कार्रवाई की गई है। इलियास की मौत के बाद दूसरे पक्ष के खिलाफ धारा 302 जोड़ा जा रहा है, लेकिन किसी के खिलाफ धारा कम करने का अधिकार पुलिस को नहीं है। दिनांक 22 को भिलाई 3 के ग्राम हथखोज में एक विवाद हुआ था। एक पक्ष में रजनेश मनीष प्रिंस पांडे हैं, दूसरे पक्ष में इलियास निराज और सिराज हैं। इनके बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। दोनों पक्षों को चोटें आई थी, दोनों पक्षों को सिर में चोट आई थी, जिसपे अपराध पंजीबद्ध किया गया था। कल इलाज के दौरान इलियास की मृत्यु हो गई है, उसमें हत्या का अपराध बढ़ाया जा रहा है, हत्या की धारा बढ़ाई जा रही है, और इसमें रजनेश मनीष और प्रिंस पांडे एक पक्ष में गिरफ्तार किए गए हैं और मिराज और सिराज को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों पक्षों को चोट आई थी, दोनों पक्षों ने विवाद किया था, दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी, सिर पे चोट आई थी दोनों पक्षों को, इसलिए यह कहना गलत है कि उनको बेबुनियाद गिरफ्तार किया गया है। अपराध होने पे विवेचना के पश्चात ही दोनों पक्षों को गिरफ्तार किया गया है। जो मृतक इलियास के परिवार वाले आए थे, उनकी मुख्य मांग यही थी कि इनका जो बच्चा गिरफ्तार है उसको दाह हमारे जो क्रियाकर्म के लिए छोड़ दिया जाए, वो हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि वो जुडिशियल रिमांड पे है। इस संबंध में न्यायालय ही वास्तविक निर्णय ले सकती है। वहीं पूरे मामले में मृतक के परिजनों ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। बच्चे हैं, मेरे आदमी का जान संवार दिए, मेरे दो बच्चे जेल में, मैं कहां जाऊं? पुलिस इंसाफ नहीं कर रही है। मीडिया में दोनों का धारा लगा दिए बराबर। 22 तारीख को 3 बजे मेरा आदमी दुकान पे काम कर रहा था, मेरा बेटा एक बगल वाले के यहाँ पेचकस मांगने गया, मेरे बेटे को पांडे लोग मारने लगे, दुकान पर लड़का आवाज लगाया कि मेराज को मार रहे हैं। मेरा आदमी आया पूछने, भाई मेरे बच्चे क्यों मार रहा है? एक ही जगह चार चार पांच पांच लाठी मारे, अलग हो गया सर। मेरे को इंसाफ चाहिए, मैं अपना बच्चा है बेटी लेके कहाँ जाऊँ? जो खाने कमाने वाला है उसको भी डाल दिए, दोनों को धारा लगा दिए 307 का। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, उसको फांसी का सजा चाहिए, नहीं लाओ उसको सामने में मारेंगे। मेरे बच्चों को पूरा खत्म करो केस, मेरा बच्चा मेरे सामने में आएगा, मेरे को इंसाफ दिलाइए सर, मैं कहाँ जाऊँ लेके? भाई 22 तारीख की घटना है ये। फादर साहब हमारे पहले 2-3 अस्पताल लेके गए, सब जगह से जवाब हो गया, उसके बाद हाईटेक में ले गए,
वहाँ पर करीब 4-5 दिन इलाज चला, 4 दिन, उसके बाद फिर एम्स में लेके गए। एम्स में ले गए, 2 दिन बाद फादर साहब खत्म हो गए, ये हुआ। और उसके बाद आज भी धमकी दी जा रही है मारने की, आज भी उन लोग बंदूक हो गया या तलवार हो गया या डंडा हो गया, बत्ता हो गया, उन लोग के करीब अभी भी 15-17 आदमी है जो उनके आज काम करता है, उन लोग भी घूम रहे हैं हमारे दुकान तरफ, उनकी दुकान हमारी दुकान पास पास में दुकान है। और हमारे भाई की या हमारे फादर की कोई गलती नहीं थी, जबरदस्ती हमारे भाई फादर को मारा गया है। वहाँ पर उनकी दुकान है, वैसे हमारी भी वहाँ दुकान है, हमारा घर पावर हाउस में, उनका घर कहाँ है मुझे नहीं मालूम। यहाँ पर सिर्फ अभी समझाया जा रहा है कि हमारे बस में जो था हम तुम्हारे फेवर में हैं, ठीक है, बाकी हमें नहीं लगता कि हमारे फेवर में है। हमारे भाई को 307 की जो धारा लगाई गई है, ये धारा उसके ऊपर गलत धारा लगाई। हम ये चाहते हैं कि उसको फांसी हो और दूसरा हमारे दोनों भाई जो है बाहर आए, बाइज्जत बनी हो जाए। बहरहाल पूरा मामला जांच का विषय बना हुआ है। ग्रैंड एसीएन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।